अमरवाड़ा में आज मोक्षधाम और कब्रिस्तान में श्रमजीवी पत्रकारों द्वारा पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। अमरवाड़ा में पौधारोपण कार्यक्रम कब्रिस्तान और मोक्षधाम में रखा गया था। कार्यक्रम की शुरुआत सभी पत्रकार बंधुओं ने पांच पांच पौधे लगाकर की। नगरवासी भी शामिल रहे। श्रमजीवी पत्रकार के अमरवाड़ा इकाई के संरक्षक भाई सलीम खान ने बताया कि विधायक राजा कमलेश ने फोन कर कब्रिस्तान और मोक्षधाम पर दो ट्यूबवेल कराने का आश्वासन दिया है, जिससे पानी की समस्या न हो पाए। वृक्षारोपण को लेकर कार्यक्रम और दर्शन आज मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सौजन्य से कब्रिस्तान और शमशान में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें पत्रकारों के अलावा शहर के गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। वृक्षारोपण के उपरांत जो मुख्य रूप से समस्या देखने में आई, लोगों ने अवगत कराया कि वृक्षारोपण तो हो जाएगा, वृक्ष लग जाएंगे, लेकिन उनको पनपने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो तत्संबंध में सभी लोगों के निवेदन पर माननीय विधायक जी से बात की गई। माननीय विधायक जी राजा कमलेश जी से बात की गई तो उन्होंने ऑन स्पॉट तुरंत इस बात के लिए सहमति जताई कि फौरन दो बोर वो यहाँ एक कब्रिस्तान में और एक शमशान में कराएंगे। तो इस मामले में सभी हमारे पत्रकार साथियों ने, श्रमजीवी पत्रकार संघ ने और गणमान्य नागरिकों ने माननीय विधायक जी राजा कमलेश जी के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। इस मामले में सहमति जताई है, घोषणा की है इस बात के लिए कि दोनों तरफ एक एक बोर लग जाएगा और जब ये बोर लगेंगे तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा होगा। जो वृक्ष लगाए गए हैं उनको पनपने में फ़ायदा होगा और भविष्य में इसका फ़ायदा जो है प्रकृति को मिलेगा और इससे जो है निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।